हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th, जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश प्रोज, दैट इज माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे बाय बुकर्टी वाशिंगटन, अ ग्रेट निग्रो लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पढ़ेंगे। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है जिसको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रसिद्ध निग्रो लीडर, समाज सुधारक एवं शिक्षाविद ब्रूकर टी वाशिंगटन ने लिखा है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक निबंध है। इसमें लेखक ने बताया है कि अगर हम ठान लें तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वी डिटरमाइन टू डू। तो चलिए हम इस एसे को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो चलिए अब हम लेसन पढ़ते हैं। माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन। चैप्टर फर्स्ट, अबाउट द ऑथर। तो इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके लेखक ब्रूकर टी वाशिंगटन हैं। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, लेखक के बारे में। ब्रूकर टी वाशिंगटन, अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाज बॉर्न इन अ पुअर निग्रो फैमिली इन 1856। ब्रूकर टी वाशिंगटन जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक फेमस एजुकेशनिस्ट थे, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, उनका जन्म एक गरीब निग्रो परिवार में, अ पुअर निग्रो फैमिली में 1856 ईस्वी को हुआ था। हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप। उनका जो बचपन का जीवन था, शुरुआती जीवन था, वह कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ था। फुल ऑफ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज मीन्स परेशानियों से, एंड हार्डशिप, हार्डशिप मीन्स कठिनाइयों से। तो इनका जो शुरुआती जीवन था, बचपन का जीवन था, अर्ली लाइफ थी, वह परेशानियों और कठिनाइयों से भरी हुई थी। व्हेन ही वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, जब यह 9 वर्ष के थे, ही बिगेन वर्किंग इन ए साल्ट फर्नेस। तो वह एक साल्ट फर्नेस में नमक की भट्टी पर काम करना शुरू कर दिए थे। लेटर बाद में इन अ कोल माइन, और उसके बाद यह कोयले की खान में काम करना शुरू किए थे। हियर ही हर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। हियर मीन्स इन द कोल माइन, कोयले की खान में काम करते समय ही हर्ड, उन्होंने सुना अबाउट हैम्पटन एंड नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक स्कूल के बारे में सुना और इस स्कूल का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, जैसा कि वो दृढ़ इच्छा वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति थे, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड। इसलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष किया, हार्ड स्ट्रगल किया। लेटर ऑन बाद में ही बिकम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज। बाद में वह एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में, सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक, एक समाज सुधारक के रूप में, एजुकेटर मीन्स एक शिक्षाविद के रूप में, एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रो, और निग्रो के एक बहुत महान नेता के रूप में फेमस हुए। ही डाइड इन 1915, इनकी मृत्यु 1915 में हो गई। ही रोट मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बट हिज फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर अप फ्रॉम स्लेवरी माई लार्जर एजुकेशन। तो इन्होंने किताबें तो बहुत सारा लिखी हैं, लेकिन इनके जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे जो मुख्य वैल्यूएबल हैं वो ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो इनकी आत्मकथाएँ हैं, जिसमें इनमें दो जो सबसे प्रमुख हैं, वो पहला है अप फ्रॉम स्लेवरी और दूसरा है माय लार्जर एजुकेशन। दीज वर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911। पहली जो है
वह 1901 में प्रकाशित हुई थी और जो इनकी दूसरी ऑटोबायोग्राफी है वो 1911 में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं अबाउट द लेसन। इस लेसन के बारे में, ब्रूकर टी. वाशिंगटन एज अ बॉय वर्कड इन अ कोल माइन इन माल्डेन। ब्रूकर टी. वाशिंगटन एज अ बॉय, मतलब जब वे बच्चे थे, वर्कड इन अ कोल माइन इन माल्डेन। माल्डेन में वह एक कोयले के खान में काम करते थे। ही ओवरहर्ड टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल। और यहाँ पर व्हाइल वर्किंग इन अ कोल माइन, कोयले के खान में काम करते समय इनको सुनने का मौका मिला कि टू माइनर्स, दो उस कोयले के खान में काम करने वाले श्रमिक, दो माइनर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, वह एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में, एक महान स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल, जो कि काले लोगों के लिए था, जिसमें सिर्फ काले लोगों के ही बच्चे पढ़ते, ब्लैक चिल्ड्रन पढ़ते वहाँ पर। द स्कूल सीम टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। और वह स्कूल, जिस स्कूल के बारे में माइनर्स बातें कर रहे थे, लेखक को लगा कि वह धरती का ग्रेटेस्ट प्लेस है, धरती पर सबसे महान स्थान, सबसे बड़ा स्थान वही है। एंड मोर अट्रैक्टिव देन इवन हिमेन। और वह स्थान, वह स्कूल लेखक को स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक लगा उस समय। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। तो जब कोयले के खान में इन्होंने बात करते सुने थे उस महान विद्यालय, महान स्कूल के बारे में, तो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था कि हम भी उसी स्कूल में एडमिशन लेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ा इनको, ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज़। इनको बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। एंड अल्टीमेटली, और फाइनली, अंत में, लास्ट में सक्सीडेड, वो सफल हो गए इन गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। और वह उस इंस्टीट्यूट, हैम्पटन नॉर्मल और एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में वह एडमिशन पाने के लिए अंततः सफल हो गए। द लेसन इंस्पायर्स अस दैट वी शुड नॉट बी डिटर्ड बाई एनी ऑड डिफिकल्टीज एंड हार्डनेस दैट मे कम इन आवर वे ऑफ रियलाइजिंग एम्बिशन। तो यहाँ लेखक हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं, ये इंस्पायर कर रहे हैं, जो लेसन है, जो ब्रूकर टी. वाशिंगटन का ऑटोबायोग्राफी जो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये हमें इंस्पायर कर रही है। और ये बता रही है कि हमें कभी भी किसी भी परेशानी से, किसी भी जो रुकावटें आती हैं हमारे सफलता के लिए, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, रास्ता रोकती हैं, उसे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, उसे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ आर लाइक ए डॉक्टर्स पिल विच आर बिटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इफेक्ट। कह रहे हैं कि जो एडवर्सिटीज हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो हार्डशिप हमारे लाइफ में आती हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक डॉक्टर के पिल की तरह हैं, डॉक्टर की दवाई, गोली जो डॉक्टर देता है उसकी तरह हैं, जो टेस्ट में तो बहुत कड़वी होती हैं, बिटर होती हैं, बट स्वीट इन इफेक्ट, लेकिन जो उसका प्रभाव होता है वह बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अब हम लेसन पे आते हैं। लेसन की शुरुआत यहाँ से है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है, जो लेखक हैं ब्रूकर टी. वाशिंगटन, वो अपने लाइफ की घटना के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा पाने के लिए किस तरह से संघर्ष किया था। तो यहाँ बता रहे हैं कि वन डे व्हाइल एट वर्क इन कोल माइन, एक दिन कोयले की खान में काम करते समय, आई हैपेंड टू ओवर हियर, संयोग से आई हैपेंड टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया।
तो लेखक कह रहे हैं कि एक दिन कोयले की खान में काम करते समय संयोग से मैंने दो माइनर्स को, दो खनिकों को, माइन में काम करने वाले मजदूरों को वर्जीनिया में किसी स्थान पर बने अश्वेत लोगों, मतलब अश्वेत निग्रो लोगों के विशाल स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। दिस वॉज This was the first time I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. तो लेखक बता रहे हैं कि यह पहला मौका था, ये पहली बार था कि यह इनका पहला अवसर था जब इन्होंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विषय में सुना था जो कि इनके कस्बे में, इनके टाउन में जो बना हुआ अश्वेत लोगों का छोटा सा स्कूल था उससे कहीं अधिक आकर्षक था। तो अपने कस्बे में बने हुए जो कलर्ड पीपल के लिए स्कूल था उससे अगर कोई ज़्यादा आकर्षक स्कूल इस दुनिया में है तो वह पहली बार ऐसे स्कूल के बारे में उन्होंने सुना जब वह कोयले की खान में काम कर रहे थे और दो श्रमिक उसी स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे। As they went on describing the school, it seems to me that it must be the greatest place on earth. तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे उस स्कूल का वर्णन करते गए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथ्वी पर यह सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, नॉट इवन हीवन। लेखक कह रहे हैं कि स्वर्ग भी प्रेजेंट मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया अबाउट विच दीज मैन वेयर टॉकिंग। तो लेखक करें कि उस समय मुझे स्वर्ग भी इतना आकर्षित नहीं लग रहा था, स्वर्ग भी मुझे इतना आकर्षित नहीं कर पाता जितना कि वर्जीनिया का यह स्कूल जिसका नाम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था जिसके विषय में ये श्रमिक बातें कर रहे थे। तो लेखक को स्वर्ग भी उतना आकर्षित नहीं करता जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट उनको आकर्षित किया जिसके बारे में श्रमिक बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस, तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने तुरंत रिजॉल्व कर लिया, निश्चय कर लिया एट वंस टू गो दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने का। तो जब उनकी बातें सुनने के बाद ही लेखक ने डिटरमाइन कर लिया कि वह भी उस स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, तो लेखक कह रहे हैं मुझे बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं था हुयर इट वाज कि यह स्कूल कहाँ पर स्थित है और हाउ मैनी माइल्स अवे, कितने मील दूर है, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, या मैं वहाँ पर किस तरह से पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, पैदल का रास्ता है कि ट्रेन से पहुंचना है कि कैसे पहुंचेंगे, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निश्चय किया, यद्यपि मुझे तनिक भी यह कल्पना नहीं थी कि वह कहाँ है या कितने मील दूर है या वहाँ मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली With one ambition, and that was to go to Hampton. तो लेखक कह रहे हैं कि I was on fire constantly. तो मेरे मन में लगातार एक ही बात जो है हिलोरे ले रहा था। On fire का मतलब fully excited. तो लेखक वही कह रहे हैं कि I was on fire constantly with one ambition. एक ही ambition के साथ, एक ही इच्छा के साथ। और वह इच्छा क्या थी, जो एक इच्छा इनके मन में हमेशा बनी रहती थी, वो ऑन फायर रहते थे, एंड वह इच्छा थी दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, कि वह हैम्पटन कितना जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए। तो लेखक कह रहे हैं मेरे मन में लगातार एक ही विचार हिलोरे ले रहा था और वह था हैम्पटन जाने का, कि वह कितनी जल्दी से जल्दी हैम्पटन पहुँच जाए। दिस थाट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, तो लेखक कह रहे हैं कि यह जो विचार है, हैम्पटन जाने का जो विचार था, लेखक कह रहे हैं
कि मेरे मन में 2400 घंटे दिन रात मैं इसी विचार में डूबा रहता था। तो लिखे करे कि मैं दिन रात इसी विषय में सोचता रहता था। नेक्स्ट पैसेज, इन द फॉल ऑफ 1872, तो लेके कह रहे हैं कि 1872 के फॉल का मतलब ऑटमन सीजन, पतझड़ के मौसम में, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। मैं वहाँ जाने का प्रयास करने के लिए डिटरमाइन किया, दृढ़ निश्चय किया। तो सन 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ पहुँचने का दृढ़ निश्चय कर लिया, इन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि मैं उस स्कूल में निश्चित रूप से जाऊँगा। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ ए ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट अ वाइल्ड गुचेज। तो लेखक कह रहे हैं मेरी माँ मेरे इस विचार से, मेरे इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो बहुत ही उनको शंका हो रही थी कि जो यह मेरा कार्य है वह एक असंभव कार्य है, मैं एक असंभव कार्य करने जा रहा हूँ। जो वाइल्ड गुड चीज है, यह एक प्रोवर्ब है, फ्रेज की तरह है, और जिसका मतलब होता है फुलिश एंड यूजलेस टास्क। मतलब हम ऐसा काम करने जा रहे हों जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, फिर भी उस कार्य को करने जा रहे हैं। तो लेखक की माँ को यही लगा कि उनका लड़का यानी ब्रूकर टी. वाशिंगटन एक ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, असंभव कार्य को करने जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि हिज मदर वॉज ट्रबल्ड विथ ग्रेव फियर, उनको बहुत ज़्यादा डर था, आशंका थी कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन, कि मैं एक ऐसा कार्य को शुरू करने जा रहा हूँ जो कि क्या है, वाइल्ड गुचेज, जो कि पूरी तरह से फुलिश एंड इम्पॉसिबल एंड यूजलेस टास्क है, वो असंभव वस्तु को पाने की कोशिश कर रहा है। एट एनी रेट आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। तो लेखक कह रहे हैं कि किसी तरह से मैंने अपनी माँ से आधे मन से, हाफ हार्टेड अनुमति मिल गई। माँ तो इनकी दुखी थी, वो जान रही थी कि जो जब कार्य करने जा रहा है पॉसिबल नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि फिर भी किसी तरह मैंने उनसे अनमने ढंग से, आधे मन से स्वीकृति प्राप्त कर ली कि मैं जा सकता हूँ हैम्पटन के लिए, वो घर से प्रस्थान कर सकते हैं। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोज एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो लेखक कह रहे हैं कि आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे, विथ विच टू बाई क्लोज, जिससे हमें कपड़े भी खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और जो यात्रा का खर्च है, जो वहाँ जाने में जो किराया लगेगा, और भी दूसरे जो खाने पीने एक्सपेंसेस हैं वो भी करना है, और वहाँ जाने के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, और पैसा भी बहुत ज़्यादा कम है। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे भाई जान ने भी मेरी मदद की, दैट ही कुड, जितना कि वो कर सकता था, बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, लेकिन निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा मदद नहीं हुई, इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे मेरी माँ ने आधे मन से तो परमिशन दे दिया कि मैं वो कॉलेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन लेखक कह रहे हैं मेरे पास पैसे बहुत कम थे, कपड़े खरीदने और मार्ग व्यय के लिए इनके पास बहुत कम धन था, बहुत कम पैसा था। लेखक के भाई जान ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी सहायता की, परंतु वास्तव में वह पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे कम, तो लेखक कह रहे हैं कि एट लास्ट ग्रेट डे, हाँ ग्रेट डे का मतलब महान दिन, जिस दिन उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है उसको उन्होंने महान दिन कहा है। तो कह रहे हैं कि फाइनली द ग्रेट डे कम, अंत में वह महान दिन आ ही गया, आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैंने हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। अंततः वह शुभ दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सचिल दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। तो लेखक कह रहे हैं कि आई हैड ओनली स्मॉल चीप सचिल, मेरे पास केवल एक छोटा सा सस्ता वाला थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे जो मुझे
प्राप्त हुए थे। उस समय जो कपड़ा ये खरीद सके थे या कहीं से भी मैनेज कर पाए थे वो कुछ कपड़े थे और कुछ दूसरे क्लोथिंग बिलोंगिंग्स थे। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय जिस समय ये हैम्पटन के लिए रवाना हो रहे थे, तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय मेरी माँ अधिक कमज़ोर और अस्वस्थ थी, ब्रोकन इन हेल्थ थी, कल उनका स्वास्थ्य खराब था, रादर वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। वो लेखक कह रहे हैं कि मुझे उससे दोबारा मुलाकात होने की बहुत कम उम्मीद थी, उन्हें पुनः देख पाने की आशा लेखक के मन में न के बराबर थी, और यही रीज़न है एंड दस और इसी कारण आवर पार्टिंग वॉज ऑल मोर सैड। तो लेखक कह रहे हैं इसी वजह से हमारा जो बिछड़ने का प्रोसेस था, हम लोग जो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, वह अधिक दुखदायी हो गया था, बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो गया था। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। तो लेखक कह रहे हैं जो भी हो उन्होंने आखिर तक हिम्मत बनाए रखी, उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बना करके, अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर के लेखक को जाने से उन्होंने टोका नहीं, उन्होंने रोका नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अंतिम तक, हाउएवर सी वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट, उन्होंने अंतिम तक बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, बहुत ही हिम्मत का परिचय दिया कि कमज़ोर स्वास्थ्य होने के बजाय, बहुत ज़्यादा बीमार होने के बजाय के बावजूद उन्होंने अपने लड़के को बाहर जाने से नहीं रोका। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles। तो अब लेखक बता रहे हैं जहाँ से इनको जहाँ जाना था उसके बीच की दूरी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। तो 500 मील को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 800 किलोमीटर हो जाएगा। तो लेखक कह रहे हैं कि हैम्पटन से माल्डन जो इनका होम टाउन था, होम टाउन से हैम्पटन की दूरी लगभग 800 किलोमीटर या लगभग 500 मील है। बाय वॉकिंग, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन कार्स इन सम वे आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज रेज द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन। तो लेखक कह रहे हैं कि पैदल चल करके, बाय वॉकिंग, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन कार, घोड़ा गाड़ियों और कारों में स्थान पाने के लिए, मतलब लिफ्ट लेकर के ये किसी तरह से वर्जीनिया के रिचमंड नगर में पहुंच गए, जो कि हैम्पटन से 82 मील अभी भी दूर था। वर्जीनिया पहुंच गए, वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से 82 माइल्स की दूरी पर था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा, टायर्ड मीन्स आई वॉज टायर्ड, हंग्री आई वॉज हंग्री एंड डर्टी। तो लेकर कह रहे हैं कि जब मैं वर्जीनिया शहर पहुंचा तब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, हंग्री भूखा था एंड डर्टी और बहुत ज़्यादा गंदा था। गंदा इसलिए कि इतनी लंबी दूरी उन्होंने तय किया था पैदल चल करके, घोड़ा गाड़ी कार इन सब में लिफ्ट लेते हुए पहुँचे थे, तो बहुत दिन हो गए थे, नहाए नहीं थे, कपड़े इनके मैले कुचले थे। तो ये कह रहे हैं कि एंडर्टी में बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मतलब कपड़े गंदे थे, कई दिन हो गया था, वो नहाए नहीं थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, और यह देर रात भी थी। तो इस तरह से लेखक माल्डन से हैम्पटन की दूरी जो लगभग 500 मील यानी 800 किलोमीटर थी पैदल चल करके, तथा लिफ्ट लेते हुए घोड़ा गाड़ियों और कारों में किसी तरह से कई दिनों के बाद वर्जीनिया के रिचमंड नगर में पहुंच गए, जो कि हैम्पटन से अभी भी 82 मील की दूरी पर था। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा मैं बहुत ही थका हुआ, भूखा और धूल मिट्टी से भरा हुआ, बहुत ही गंदा था, और जब वहां पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं गया हुआ था, कभी वो शहर बड़े शहर में गए ही नहीं थे, एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, और यही बात मेरी परेशानी को और अधिक बढ़ा दे रही थी।
मतलब वो कभी शहर गए नहीं थे, शहर के तौर तरीके मालूम नहीं थे, इनको मालूम नहीं था कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कैसे क्या करना है। तो ये करिए, मैं कभी बड़े शहर में कभी गया नहीं था और यही बात मेरी मिजरी को और भी ज़्यादा बढ़ा दे रही थी, हमारी परेशानी को और बढ़ा रही थी। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुँचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मेरे पैसे भी पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। तो लिख कर करें, एक तो मैं कभी बड़े शहर में गया नहीं था, इस कारण मुझे परेशानी और अधिक हुई, और जब मैं रिचमंड पहुंचा, मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा था, आउट ऑफ मनी था। आई हैड नॉट सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस एंड बीइंग अनयूज सिटी वे आई डिड नॉट नो हेयर टू गो। तो लिख कर करें, आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, उस स्थान पर, वहाँ पर, उस नगर में इनके परिचय का एक भी व्यक्ति नहीं था, सिंगल एक्वेंटेंस भी उस शहर में इनका नहीं था। एंड बीइंग अनयूज टू सिटी वे, और दूसरा कह रहे हैं कि शहर के तौर तरीकों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, अनजान था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर जाऊँ। तो इतने सारे रीजन थे, वो कभी शहर में गए नहीं थे और उस शहर में उनके कोई परिचय का भी एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं था, उनके पास सारा पैसा भी खर्च हो गया था, शहर के तौर तरीके नहीं मालूम थे। तो लेखक कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों की वजह से, और ये जानते भी नहीं थे कि इनको जाना कहाँ है, और ये सारी चीज़ें इनकी परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा दी। आई आस्क सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, बट दे ऑल वांटेड मनी एंड दैट वॉज व्हाट आई डिडंट हैव। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं ठहरने के लिए अनेक जगह पूछताछ की, किंतु सभी लोग पैसा चाहते थे, सभी लोग धन चाहते थे ठहरने के लिए, और लेखक कह रहे हैं कि यह वही चीज़ है, दैट वॉज व्हाट, और यह वही चीज़ थी आई डिड नॉट हैव, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो लेखक वहाँ ठहरने के लिए कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन सब लोग पैसा चाहते थे, और लेखक कह रहे हैं कि धन मेरे पास नहीं था, और ये वही लोग, उसी चीज़ के लोग डिमांड कर रहे थे। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। तो जब कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझा, तो एक बात उनके मन में आई, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट। तो जो दूसरी बात इनको समझ में आई, इन्होंने सोचा कि वह गलियों में टहल करके वो रात काटेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, तो आई वॉक द स्ट्रीट, मैंने गलियों में घूमा, गली का वो चक्कर लगाए। चलिए, आज इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, जो बाकी बच रहा है उसको हम पार्ट टू में पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।